बॉलीवुड की फेमस एक्टर सुनील शेट्टी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सुनील शेट्टी जी ने कितनी मूवीज बनाई है, कितनी मूवीज उनकी फ्लॉप रही, एवरेज रही या फिर हिट रही। करते हैं शुरू। नंबर एक पे आती है बलवान, जो कि 1992 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की नंबर दो पे मूवी आती है वक्त हमारा है, 1993 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर नंबर तीन पे आती है पहचान, 1993 में आई और दोस्तों ये मूवी एवरेज हुई। फिर नंबर चार की बात करें दिलवाले, 1994 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की पांचवी मूवी आई मोहरा, 1994 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर नंबर छह पे आती है गोपी किशन, 1994 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। फिर नंबर सात पे आती है हम है बेमिसाल, 1994 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर नंबर आठ पे आती है टक्कर, 1995 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। नंबर नौ गद्दार, 1995 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर दस पे मूवी आती है रघुवीर, 1995 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी बिलो एवरेज साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की ग्यारहवीं मूवी आती है सुरक्षा, 1995 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी बिलो एवरेज साबित हुई। फिर नंबर 12 पे बात करें एक था राजा, 1996 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर नंबर 13 की बात करें विश्वघात, 1996 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 14वीं मूवी आती है सपूत, 1996 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 15वीं मूवी आती है रक्षक, 1996 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर नंबर 16 पे मूवी आती है कृष्णा, 1996 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 17वीं मूवी आती है शस्त्र, 1996 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर नंबर 18 पे आती है बॉर्डर, 1997 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर नंबर 19 की बात करें पृथ्वी, 1997 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 20वीं मूवी आई जज मुजरिम, 1997 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज हुई। फिर नंबर 21 की बात करें भाई, 1997 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। 22 की बात करें ढाल, 1997 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर 23 पे मूवी आती है कुहार, 1997 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 24वीं मूवी आती है विनाशक, 1998 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। 25वीं मूवी आती है आक्रोश, 1998 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो गई। फिर 26 पे आती है हमसे बढ़कर कौन, 1998 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। नंबर 27 पे मूवी आती है काला साम्राज्य, 1999 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 28 पे मूवी आती है बड़े दिलवाले, 1999 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 29 पे आती है क्रोध, जो कि 2000 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर 30 की बात करें हेरा फेरी, जो कि 2000 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी तो सुपर हिट साबित हुई। फिर नंबर 31 पे बात करें जंगल, 2000 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 32वीं मूवी आती है धड़कन, 2000 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी हिट साबित हुई। फिर नंबर 33 की बात करें कुछ खट्टी कुछ मीठी, 2001 में आई और दोस्तों ये भी फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर 34 की बात करें ऑफिसर, जो कि 2001 में मूवी आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर 35 की बात करें प्यार इश्क और मोहब्बत, 2001 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 36 की बात करें इस्तफाक, 2001 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 37 पे आती है ये तेरा घर ये मेरा घर, 2001 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर नंबर 38 की बात करें एहसास, 2001 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 39 की बात करें आवारा पागल दीवाना, 2002 में आई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर नंबर 40 की अगर बात करें तो अनर्थ, जो कि 2002 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 41वीं मूवी आती है कर्ज, बर्डन ऑफ ट्रूथ, 2002 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 42वीं मूवी आती है मसीहा, 2002 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 43 पे बात करें तो कांटे, 2002 में आई और दोस्तों ये मूवी बिलो एवरेज साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी जी की 44वीं मूवी आती है बाज, अ बर्ड इन डेंजर, 2003 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 46 पे आती है खंजर, 2003 में आई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 46 की बात करें कयामत, 2003 में आई और दोस्तों ये मूवी एवरेज साबित हुई। फिर नंबर 47 की बात करें एक हिंदुस्तानी, जो कि 2003 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर नंबर 48 की बात करें खेल, जो 2003 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर सुनील शेट्टी 39वीं मूवी आती है एलओसी कारगिल, 2004 में आई और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हुई।
फिर सुनील शेट्टी जी की 50वीं मूवी आती है मैं हूं ना, 2004 में रिलीज हुई और दोस्तों ये मूवी हिट हुई।